हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम स्टीवन एंड यू आर वाचिंग एसके व्लॉग्स। तो फिलहाल हमने स्नान किया है, जस्ट अभी स्नान करके आया हूँ और अभी थोड़ी सी धूप पूजा कर लेता हूँ एंड बाद में बनाते हैं रोटी सब्जी वगैरह। हैं पापा प्याज काट रहे हैं एंड प्याज की सब्जी बनेगी आज। और आज का मौसम मतलब इधर गोल्डन गोल्डन बहुत ही मस्त हो रहा है। ये देखो सूर्योदय हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, सारे बादल लग रहे हैं एकदम गोल्डन गोल्डन, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। चलो बाकी पिताश्री जी इधर बैठे हैं एंड प्याज काट दिए हैं। आज प्याज की सब्जी बनेगी मस्त वाली चटनी एंड फिर हम खाएंगे चूर चूर के, क्योंकि अब तो घी है हमारे पास, है ना। तो ये देखो भाई, जितने सारे प्याज गूंद रहे हैं, चाउमीन बनती है ना तब आती है सुगंध, वैसी आ रही है अब, है ना, क्योंकि मसाला सेम ही होता लगभग। तो अब देख लो ये जब की भूख अच्छे से भूंद रहे हैं, गोल्डन कलर आएगा तब तो भूनेंगे मस्त एकदम, फिर बना देंगे, है ना। तो चलो हम तो आटा गूंद देते उधर। तो गाइस फिलहाल पापा निकल रहे हैं स्कूल के लिए एंड इधर ये भी निकल रहे हैं अपने काम के लिए, है ना, साफ कर रहे हैं गाड़ी वगैरह और ये पहन रहे हैं अपने शूज वगैरह। बाकी मौसम देख सकते हैं आप, बहुत ही अजीब टाइप से हो रहा है ना, मतलब बादल है बहुत ज़्यादा इधर देख लो पूरे में, है ना भाई साहब। आज भी धूप नहीं निकलेगी लगता है, कपड़े भी धोने थे आज, तो देखते हैं। गाइस ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, है ना। मैं तो अंदर जा रहा हूँ अब, और अब तो है ना थोड़ा मोरा सा दिख रहा था ना बादल, मतलब कम थे ना थोड़े, और सूरज थोड़ा सा दिख रहा था, वो भी नहीं दिख रहा अब तो, खत्म कहानी सूरज बाबा की। तो ये देखो एकदम खत्म हो गया सूरज बाबा, कुछ छड़ा दिख रहा सूरज बाबा का, है ना। चलो भाई सूरज बाबा आ जाना, है ना, नहीं तो फिर कपड़े नहीं धोऊंगा मैं ऐसे रहा तो, फिर कपड़े धोने का क्या मतलब पूरे में। देख लो यार इतना खतरनाक क्यों है यार मौसम, यार इसको समझ नहीं आता क्या, मार्च आ गया है अब गर्मी आ जाए, है ना, गड़बड़ हो गई है लगता है, उनका सिस्टम हैंग हो गया है ना। जैसे ये इंस्टाग्राम फेसबुक सभी हैंग हुए थे ना, व्हाट्सएप वगैरह, तो इसीलिए सब ये इनका भी सिस्टम हैंग हो गया लग रहा है। चलो देखते हैं कि अब कब कब सही होता है ना। वैसे शादी विवाह होता है ना तो ठंड वगैरह और बारिश वगैरह इनका ज़्यादा रहता है, क्यों इंद्र भगवान सोचते हैं शादी हो तो मेरी सभी की क्यों हो रही है ना, तो विघ्न डालते। तो चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। बस फिलहाल मैं जस्ट उठा हूँ और ये क्या कहते हैं इधर से, है ना, और मैंने सुबह भी पहन लिया था क्योंकि सर्दी बहुत थी, है ना, तो इसीलिए पहन लिया था। और अब धूप निकली हुई है खतरनाक और बज रहे हैं 1:40 हो रहे, और अभी बाहर निकला हूँ, अभी खोला है मैंने दरवाज़ा, है ना, क्योंकि सुबह धूप बिल्कुल नहीं थी और फिर मैंने बंद कर दिया था दरवाज़ा, तो अभी निकला हूँ तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, हाय मज़ा आ गया यार, है ना, पूरे में देखने में आनंद आ रहा है। वैसे दिखा देता हूँ एक बार बैक कैमरे से, और ये जैकेट भी उतार दूंगा अब। ये देखो भाई सूर्य ऊपर है फुल, है ना, क्योंकि दोपहर हो रही है ना, और बाकी थोड़े थोड़े बादल तो हैं लेकिन फिर भी आज धूप तो खतरनाक निकली भाई, अब कपड़े धो दूंगा, है ना। फिलहाल मौसम तो ऐसा कब वैसा ही है ना, वैसा तो नहीं है वैसे, है ना, दोपहर को तो बहुत ही अजीब हो रहा था, मतलब कि निकल गया था मस्त एकदम धूप, और अभी बहुत कम है। ये देखो अभी क्या मस्त है यार, व्यू तो अच्छा है लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, है ना। बाकी अंदर आसिफ है, डैडिंग डैडिंग कर रहा है, ये डाड रहा है इधर, इधर आया था आज, है ना, आसिफ एंड पापा इधर बैठे हैं। मैं अभी अभी इधर से उठा हूँ, ये आ गया ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर खेल लेते हैं, ये लेकर आया बैडमिंटन, ये चिड़ी ऊपर पड़े हैं मैंने देख लिए थे, तो देखो वाह दुष्ट प्राणी है ना। चलो बाहर दिखाता हूँ आपको, आज खेलते हैं यार, काफ़ी दिन हो गया खेला ही नहीं, है ना। तो उसने वो रहे एक एक तो रैकेट, ये रहा तेरा एक रैकेट तो है, बाकी वाला मुझे नहीं पता बढ़िया बाकी वाला वो रहा। तो चलो खेलते हैं, तो गाइस फिलहाल खेलते हैं हम बैडमिंटन, तो देखते हैं आज क्या मस्त रचता है, काफी दिन हो गए हैं, शरीर थोड़ा अकड़ा अकड़ा लग रहा है, अब साइज लिमिट का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से खाली कर दिया फोन को, तो ये बात है आज देखो 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 छूटे सारे देखो और आके रोटी के बस जाओ।
फिलहाल गाइस चलते हैं ऊपर। श्रवण चला गया ऊपर, देखो ये सुख जी बैठे हैं अंदर, देख रहे हैं फोन। ये आ गया वापस, तो गाइस देखो वाओ कितना मस्त आ रहा है यार ये, ओह माय गॉड अबे उठ गया यार, तो मस्त है कि मतलब है ना ये फ्लैश पड़ रहा था इसका। और बाकी पापा कर रहे हैं दाढ़ी वगैरह, इधर स्टैंड इधर लगा रखा है। और ये देखो इसके ऊपर मतलब क्या मस्त आ रहा है यार, बंदा हीरो बन गया आज तो। ओहो बाकी ये देखो सूर्य अस्त होने वाला, अभी तक हुआ है तो नहीं है ना, बहुत ही प्यारा हो रहा है वो सो। ये देखो गाइस बिल्कुल सनसेट हो गया और कितना क्लियर और प्यारा व्यू आ रहा है। ओ तेरी, ये देखो गाइस वाओ, दो अभी तक वो बंदे खड़े हैं फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इधर भी है काफी लोग, ये देखो काफी कट है, घने ही हैं तो हाथी आए हैं, बीपची आए हैं, तेरती हुआ है, गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी लोग इधर है। और ये वाले प्यारे लग रहे हैं ना ये गाइस, ये लोग देख रहे हैं मकोड़े की तरह। गाइस फिलहाल इधर बैठे हैं और आसिफ भी आ रहा है पक्का, क्योंकि ये वाइड एंगल में शूट हो रहा है ना, तो आसिफ तो आ रहा होगा। अब भी आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ वीडियो। तो गाइस देखो फिलहाल मौसम कितना प्यारा हो रहा है एंड आसिफ इधर इधर चल रहा है। और ये देखो अपना पूरा पूरा आ रहा है अब सब कुछ एकदम है ना, क्योंकि वीडियो का मैंने थोड़ा सा ट्रिक सीख लिया अब तो अलग ही दिख रहा होगा। अब तो देखो इतना इधर कर दिया फिर भी आसिफ दिख रहा है, वो आसिफ उधर है फिर भी। बाकी ऐसा कुछ हो रहा है मौसम, बड़ा ही प्यारा हो रहा है। चली बहुत इधर गाइस, देखो गाइस गाइस फिलहाल चिड़ी ऊपर चली जाती है बार बार, तो इसीलिए हम आ रहे हैं जल्दी जल्दी से है ना, उधर रहेगी जल्दी जल्दी चली जाती है, क्या करूँ बताओ। चलो अभी आसिफ वैसे भी घर चला जाएगा है ना, क्योंकि अब हो गया है सूर्य अस्त हो गया पूरी तरह से है ना, और बाकी आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम मस्त इलाका है। चलो तो गाइस फिलहाल आसिफ जा रहा है बिकॉज इसका मम्मी ठोकता है इसको बहुत ज़्यादा, बहुत मारती है इसकी मम्मी है ना, तो इसीलिए जा रहा है। चलो इसकी मम्मी बहुत मारती है भाई, ये रोता रहता है ना इसीलिए।
बस जस्ट मैंने ये काट दिए हैं आलू एंड ये भिगो दिए हैं मस्त, एंड लहसुन भी छील कर मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं मसाला मिला दिए, नहीं मसाला मिला ना अभी मिला देता हूँ और बाकी पापा बना देंगे अभी। तो चलो तो गाइस देखिए फिलहाल बन गए हैं चावल और इधर खा लेते हैं, घी लेकर खाएंगे, घी है हमारे पास अब तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, अब घी लेकर मस्त खाएंगे मैं और पापा। चलो तो गाइस फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं पापा इधर बैठे हैं और मैंने अभी बर्तन वगैरह धो दिए थे, हाथ बिल्कुल ठहर गए थे मेरे है ना एकदम, मतलब ऐसे दर्द करने लग गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, और बाकी बस अभी जैकेट वगैरह पहनकर बैठे हैं गुदड़ों के अंदर और पढ़ाई कर रहे हैं इधर देख लो है ना। और बाकी बस अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, गुड नाइट बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ।